स्वागत है आपका मारीना संदेश में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां लगातार माफियाओं पर कार्रवाइयां हो रही हैं, तो वहीं अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह भूमाफिया पनप रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना अस्त्राय लखनसी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अछार का है, जहां पर एक मामला आया है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आधा अधूरा कंप्लायंस करा करके माननीय न्यायालय को भी भ्रमित किया जा रहा है। जी हां, मामला पूरा ये है। आपको बता दें कि एक प्लाट का विवाद चल रहा है, जिसमें अख्या में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 8/12/2022 को ये अस्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि विपक्षी गण द्वारा भूमि को कब्जा करने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है और बार बार पत्थर को उखाड़ कर फेंक दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक डायरेक्शन पास किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा कि इस आख्या का कब्जा करा करके और कंप्लायंस कराया जाए इस आदेश की। लेकिन जब पत्थर नसब किया गया, उसके बाद भी पत्थर उखाड़ के विपक्षी गण द्वारा फेंक दिया गया, जिसके बाद उनके ऊपर थाना सराय लखनसी में धारा के अंतर्गत FIR भी दर्ज हुई। लेकिन उस FIR के बाद भी भूमाफियाओं का चूंकि लिंक जबरदस्त है और जो जमीन के मालिक हैं, जिनके पक्ष में तमाम आदेश है, तमाम सबूत, तमाम साक्ष्य जो कुछ है माननीय न्यायालय द्वारा इनके पक्ष में दिया गया है, सबके बाद भी अपनी जमीन पर पत्थर गड़वाने के बाद भी, यानी कि कल दिनांक 29/4/2023 को माननीय न्यायालय के डायरेक्शन के अनुसार, यानी जो 12/4/2023 को एक नया डायरेक्शन आया था, उसमें 15 दिनों के अंदर पत्थर गड़वा करके नई आख्या मांगा गया था, जिसको 2 तारीख यानी 2/5/2023 को नए सिरे से फिर से माननीय न्यायालय में सुनवाई होगी। इस क्रम में पत्थर तो कल गड़वा दिया गया है, लेकिन माननीय न्यायालय की जो आप देख सकते हैं, विद्वान अस्थाई वकील प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मामले में निर्देश लेने और मामले की वर्तमान स्थिति से ऊपर हम आपको दिखा दें कि जहां पर ये लिखा गया है, स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, प्लाट पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश दिनांक 12/1/2023 द्वारा विवादित भूखंड के निरीक्षण हेतु दिनांक 15/1/2023 को नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करने का निर्देश दिया। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 12/1/2023 के आदेश के अनुसार प्राधिकरण ने अभी तक विवाद का निपटारा नहीं किया है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि कब्जे को बहाल कराना था, जमीन में खेती और बुआई जुताई शुरू कराना था, लेकिन किसी भी प्रकार से कब्जा इनके हाथ में नहीं दिया गया है। राजस्व टीम द्वारा केवल पत्थर को नसब करके भ्रमित किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, किससे कौन वादी है, कौन प्रतिवादी है, ये सभी कुछ हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं, पीड़िता की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। जहां पर देख सकते हैं कि 4-लेन पुल है, 4-लेन पुल के ठीक पश्चिम एक रास्ता इधर घुमा हुआ है, जहां पर ये खेत का विवाद चल रहा था। काफ़ी ज़माने से विवाद चल रहा है, इससे पहले भी इस विवादित भूमि की कई बार पैमाइश हुई है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका है। आज माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन, उच्च न्यायालय के डायरेक्शन से यहां पर पक्की पैमाइश की गई है और मौके पर राजस्व विभाग की पूरी टीम है, साथ ही पुलिस सुरक्षा के बीच में, सामने देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है, पुलिस सुरक्षा के बीच में ये पैमाइश का काम सकुशल संपन्न करा दिया गया है। यहाँ मौके पे देख सकते हैं कि पत्थर गड़ा चुका है और दोनों पक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी लगातार एकदम मुस्तैदी से तैनात हैं। दिवाली में कुल कागज आपको दिया हूँ, आपको समझ में नहीं आता है, तो आगे से नहीं है। चलिए आगे चले, हो गया आपका, लो करा करा, बिना मशरफ की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? शकुंतला। अच्छा, क्या मामला है? वो खेत का मामला है सर। कहाँ पर खेत है? अछार सगड़ा। खेत किसका है? सुरेंद्र का। सुरेंद्र कौन है? ये अच्छा, आपके पति। अच्छा, तो क्या विवाद चल रहा है इस समय? बोवे जोतना था सब, बजरा बोवे गंजा छेक देना सर। अच्छा, तो कल तो खेत आपके कब्जे में दे दिया गया है?
नहीं, खाली पत्थर गाड़ के खेत नहीं दिया सर। अच्छा, ये पत्थर गाड़ने वाला काम कितने दिनों से चल रहा है? साल भर से ऊपर होगा। साल भर में कितनी बार पत्थर गड़ाया है? ये तीसरी अलग गाड़ा ला। अब क्या हो रहा है जब पत्थर गड़ा रहा है? पत्थर उखाड़ के फेंक देते हूँ सर। उस पर कार्रवाई कोई नहीं हो रही है? थाला लखन सी 10 बजे रात को हम चौंपा। हाँ, दरखास्त दिया, पुलिस गए, पुलिस कुछ ना कहे। कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? नगीना, राम नगीना। हाँ, और प्रेम यादव। और फुलपौधा। अच्छा, ये इतने लोग हैं। और क्या कह रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि मरले के धमकी देते हूँ सर, कि खेती में आजी बता काट के फेंक दे। जबरदस्ती से काम रजिस्ट्री कर दो तो सर। अच्छा। हमारे हुआ नहीं, खाली एक हमारे लड़की है। हाँ, शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगी? प्रशासन तो वही लोग को सुनती है सर, हमारे नहीं सुनती है। वो प्रशासन आती है, वो कब्जे में कर लेते हैं। कल क्या हुआ है? कल प्रशासन आई, बाकी वही लोगों का सुनवाई लिया ला। क्या चाहती हैं आप? जब हम चाहते हैं कि हमारे खेत हमारे नामे होवे, हमारे जोता पुआ जा, ये हम चाहते हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र नाम है सर। जी बताइए, क्या समस्या है? समस्या ये है कि उस जमीन पर जब भी जाते हैं तो लाठी डंडा लेकर के मारने के लिए खेलते हैं वो लोग, और जमीन पे हमको जोतने बोने नहीं देते हैं। और इस जोतने बोने के लिए हर एक जगह से कागज से हम कागज लेकर के आ गए, तभी भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, और आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। उस जमीन पे हम कभी भी जाते हैं तो लोग मारने के लिए खेल देते हैं। अच्छा, जब आपका कागज पत्र सब दुरुस्त, तो आपने प्रशासनिक अधिकारियों का सहारा नहीं लिया, उनसे शिकायत नहीं किया? प्रशासन के पास शिकायत करने गया तो जोतने दो बार पत्थर गाड़े तो उखाड़ के फेंक दिए, और कल जो है कि शनिचर को पत्थर फिर से तीसरी बार गड़ाया, और जोतने बोने के लिए आदेश दिए थे, जोतने बोने नहीं दिया वो। अच्छा, शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहूँगा कि ये जमीन हमारी है, हमारे नाम से है, और विवादित आदमी के नाम से कुछ भी नहीं है वहाँ। हमारी जमीन है, हमको प्रशासन अगर दे दे तो उसका धन्यवाद। खतौनी में किसका नाम है? खतौनी में हमारा नाम है साहब। जमीन कब से आपकी है? जमीन तो हमारे बाप दादों के हाथ से है। कल पत्थर गाड़ने की कार्रवाई पूरी हो गई थी? नहीं सर, कल पत्थर गाड़ने की कार्रवाई हुई, राजस्व विभाग गया, वहाँ पत्थर गाड़ा, और उसके बाद हम ट्रैक्टर मंगाए जोतने के लिए, तो ट्रैक्टर उसमें जोतने नहीं दिए, ट्रैक्टर को निकलवा दिए। किसने रोक दिया? राम नगीना यादव, विपक्षियों ने। हाँ।